हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीखो सी स्टूडेंट। इन दिस वीडियो आई विल लाइक टू शेयर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एन रेलेवेंट टॉपिक फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत मतलब इसका रेलेवेंस है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। आप कॉर्पोरेट फर्म्स में जाओगे या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे तो आपको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए। इट इज़ अ गेम प्लान ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच गाइड्स द फर्म टूवर्ड्स सक्सेस। मतलब ये एक तरह से ऐसा गेम प्लान है। हमने स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा, स्ट्रेटेजी भी एक गेम प्लान होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है फर्म के सक्सेस को पाने के लिए। अगर हमें कुछ सक्सेस मतलब पाना है फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑब्जेक्टिव है उसको पाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी का यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ बेसिकली द ग्रोथ डिज़ाइन ऑफ द फर्म। ये क्या ग्रोथ डिज़ाइन है फर्म का, विच प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम डिपार्टमेंट बोलते हैं तो डिपार्टमेंट का शॉर्ट होता है DEPT, DPT। तो आप इट प्रोवाइड DEPT, DEPT मतलब डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक्सटेंट प्रोवाइड करता है, पेस प्रोवाइड करता है, एंड टाइमिंग ऑफ द फर्म ग्रोथ। मतलब कि फर्म के ग्रोथ के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक्सटेंट प्रोवाइड करता है, पेस प्रोवाइड करता है, टाइमिंग। ठीक है, दिस इज द स्ट्रैटेजी विच इज मेड फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एंड इस मेड बिलो ग्लोबल, मतलब ग्लोबल स्ट्रैटेजी पहले एज अ होल, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए हम जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसके बाद हम कौन सी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियोज़ में, तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए और जाके वो वीडियोज़ भी देखिए। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को ऑब्जेक्ट स्ट्रैटेजी डिज़ाइन ऑफ द फर्म भी बोलते हैं। फिर द गोल ऑफ एंड द ऑब्जेक्ट, द गोल्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू अचीव, द वे थ्रू विच इट कैन बी अचीव इज बेसिकली कंसिडर बाय दी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। जो भी हमारे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव करना और उनको अचीव करने के तरीकों को हम किसके द्वारा अचीव कर सकते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के द्वारा अचीव कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में आता क्या क्या है, क्या क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है जैसे हमने टेक ओवर करना है, मर्जर करना है, अमलगमेशन वगैरह आपने पढ़ा होगा अकाउंट में भी, तो टेक ओवर, मर्जर, डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस को बढ़ाना है, डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपेंशन करना है बिजनेस का, तो भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी काम आती है, इन्वेस्टमेंट करना है, डिस इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड सो ऑन। इस मतलब ये सब चीज़ें हमारे हेल्प करती हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में हम ये सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ लॉन्ग रेंज। ये क्या लॉन्ग रेंज है, एंड बट इट इज़ वैलिड फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज मिडिल रेंज। मतलब कि शॉर्ट रेंज एंड मिडिल रेंज के लिए भी ये वैलिड है। ठीक है, इट मस्ट बी एक्शन ओरिएंटेड। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। इट शुड बी इंटीग्रेटेड, मतलब कि कंसिडर एट द ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये हर लेवल पे कंसिडर किया जाती है। इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कौन फॉर्मुलेट करता है, टॉप मैनेजमेंट, और इंप्लीमेंट किस पे होती है, मिडिल और लोअर मैनेजमेंट पे। ठीक है, इट मस्ट बी कोप अप विद द कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन को कोप अप कर पाए। फिर इट मस्ट बी STD, इट प्रोवाइड STD, सॉरी, इट प्रोवाइड STD, मतलब सीक्वेंस, टाइमिंग, डायरेक्शन, याद रखना, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी, मतलब ये प्रोवाइड करता है हमें STD। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ सिंगल यूनिफाइड क्राइटेरिया इन फंक्शंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये प्रोवाइड करता है हमें यूनिफाइड क्राइटेरिया, मतलब कि एक यूनिफाइड क्राइटेरिया, यूनिक क्राइटेरिया, जो कि हमें हेल्प करता है हमें डिसीजन मेकिंग में, जो हमारा फंक्शन है डिसीजन मेकिंग करना ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंने मीनिंग इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, बाकी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते बच्चलो।